दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे से सबक लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिससे कि एमपी में कहीं दिल्ली जैसी घटना ना होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ एमपी में बारिश और बाढ़ के हालात का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी चिंता। अगली खबर जबलपुर से है, जहां बरगी बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध के 5 गेट खोले गए हैं, 1 मीटर ऊंचाई तक बांध के गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों को अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। 14,556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, पहले 7 गेट खोलने की बात कही जा रही थी, अभी फिलहाल 5 ही गेट खोले गए हैं। जी बिल्कुल, ये जो है बरगी डैम में लगातार पानी आ रहा है, बारिश हो रही है कैचमेंट एरिया में, कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसके कारण बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ा और 31 जुलाई के पहले ही बांध खोलने का निर्णय लिया गया, बांध के गेट खोलने का निर्णय लिया गया, जिसमें आज 7 गेट खोले गए हैं और 7 गेट यहाँ पे खुल चुके हैं, लेकिन तस्वीरें जो है 5 गेट की ही है। और यहाँ पर इस नजारे को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई है। लोग हर बार जब भी गेट खुलते हैं तब भीड़ आती है और सावधानी के लिहाज से पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। 35,000 क्यूसेक पानी जो है इन 7 गेटों से फिलहाल छोड़ा जा रहा है। 419 मीटर बांध का जल स्तर हो चुका है और टोटल जो क्षमता है, जो उसका लेवल है, 422.76 मीटर इसकी टोटल जल भराव क्षमता है, जिसमें 419 मीटर तक पानी भर चुका है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर श्योपुर से, जन नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। रपटे को पार करते समय यह हादसा हुआ। बारिश के बाद रपटे के ऊपर से पानी बह रहा था। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रोका था। सुरक्षा गार्ड के रोकने पर भी रपटा ये पार करने लगा। मानपुर थाना इलाके के सीट नदी पर बने रपटे का यह मामला है। युवक की तलाश की जा रही है। पेंड्रा में खराब सड़क गांव वालों के लिए मुसीबत बन गई। मेन सड़क से 2 किलोमीटर अंदर गांव तक आना मुश्किल हो गया है। गांव में पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है। छोटा और सीधा रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सड़क है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पिंडरा ब्लॉक के जमड़ी खुर्द गांव के उस रास्ते पर, जिस रास्ते का उपयोग यहां के ग्रामीण और स्कूली बच्चे पिंडरा तक पहुंचने के लिए करते हैं। और यह रास्ता बारिश के दौरान गड्ढे और कीचड़ से भर जाता है, जिसके बाद यहां से आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और इस रास्ते को परिवर्तित करके लोग 10 किलोमीटर दूर घूम कर पिंडरा जाने को मजबूर होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इस रास्ते पर गड्ढे और कीचड़ भरे पड़े हैं और इस रास्ते से किसी तरह से भी आवागमन अब संभव नहीं है। और कई दफे स्वीकृति के बाद, प्रशासन से मांग के बाद भी इस जगह अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। और देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण और स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए इस जगह पे सड़क का निर्माण प्रशासन कब तक करता है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गौरेला पिंडरा मरवाही।
अगली खबर बैतूल से है, जहां शराब के नशे में नदी में दो युवक डूब गए। शराब के नशे में नदी में मस्ती करना भारी पड़ गया इन्हें। काफी दूर तक तेज बहाव के साथ ये बहते रहे, उसके बाद तैरकर बाहर निकले। शराब के नशे में दोनों ही धुत थे और मस्ती करने के लिए नदी में कूद गए थे। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मुसीबत में फंसे लोगों की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मैनपुर कला में लोगों को अर्थी लेकर उफनती नदी पार करनी पड़ी। वहीं बाघ नाले में उफनती नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया और बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर चालक की जान बची। तो वहीं अमलीपदर क्षेत्र में खैरा नाले पर 17 स्कूली बच्चे फंस गए थे, जिन्हें पानी कम होने पर सुबह सुरक्षित घर पहुंचाया गया। के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूं। रोज का ऐसा व्यवस्था चल रहा है और मतलब पानी गिरा मतलब कई साल से हो रहा है, मतलब नाला कभी भी नहीं हो रहा है। कितने दिन से अटके? मैं तो 2001 से देवभूम में रहता हूँ और उड़ीसा पढ़ने जाता हूँ। नाला के वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ के शिक्षक भी नहीं जा पाते होंगे? यहीं का जो छत्तीसगढ़ गांव है ना, उन लोग भी नहीं जा पा रहे। आज जिस चीज का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। लगातार हमने पुल पुलिया का मांग किया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज जिसके चलते ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 31 वर्षीय युवक भूप सिंह नागेश जी का आकस्मिक देहांत हो गया। लगातार शासन प्रशासन का अवगत करा ही रहे थे कि हमको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। मैनपुर विकास खंड अंतर्गत राजा पड़ाव क्षेत्र में 5 नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदी हैं। अड़गड़ी है, जरीडी है, शोभा है, बाघ नाला है, गरहा नाला है। इन 5ों नदियों के लिए शासन से पुल निर्माण हेतु राशि स्वीकृति हो चुकी है, परंतु पुल नहीं बनने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके बरसात के दिनों में जो है पूरी तरह से ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय से लोग कट जाते हैं और राशन सामग्री से लेकर के स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन को गंभीरता से इन 5ों नदियों में अभिलंब। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।